नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था आज मैं लेकर के आया हूँ झारखंड आईआरबी 17 दिसंबर का जीएस का पेपर फुल्ली सॉल्व्ड। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको जैसा सुविधा हो देख सकते हैं, दोनों पेपर रखा हुआ है। वैसे ये सेट सी है अगर आप मिलाना चाहें तो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सेटेलाइट टाउन ऑफ लार्जर सिटी विच विल कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डिजिटली कनेक्टेड। ये स्मार्ट सिटीज होते हैं। आगे देखते हैं, नेम द प्लेस दैट इज रिवर्ड बिकॉज ऑफ इट इट वॉज हियर दैट द बुद्ध प्रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सारनाथ, पहली बार बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ था। आगे बढ़ते हैं, लिंग विभाजन का संबंध इनमें से क्या है। तो जी हाँ, जेंडर डिवीजन का मतलब होता है अनइक्वल काम मिलना, अनइक्वल रोल्स असाइन। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फाइबर्स आर हाउ मेनी टाइप्स। तो देखिए, बेसिस ऑफ ओरिजिन पे फाइबर के दो तरह के होते हैं, मैनमेड और नेचुरल। आगे बढ़ते हैं, रस्किन बॉन्ड की एक बुक थी सुसन सेवन हस्बैंड, ये बॉलीवुड फिल्म बनी थी सात खून माफ। आगे बढ़ते हैं, 2017 स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स ये हुआ था आपको ऑस्ट्रिया में, वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं, द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका, कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका ये है आपका सैन जोन्स। आगे बढ़ते हैं, अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर। जी हाँ, इसके आंसर होगा 3 ईयर्स, जैसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये तो आपको पता ही होंगे। और इनमें टोटल 11 सेशन हुए थे और 166 डेज तक ये चला था सेशन। आगे बढ़ते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे आपको पता है 29th ऑफ अगस्त, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है वो। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो महिला रेजिमेंट थी उनका नाम था झांसी रेजिमेंट, और जो मेन रेजिमेंट थे वो थे गांधी नेहरू सुभाष। आगे बढ़ते हैं, फिल्म दंगल की जो गीता फोगट है उनका असली में नाम क्या है, तो वो है ज़ायरा वसीम। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, जी हाँ आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल जो है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट, द नंबर ऑफ सेटेलाइट लॉन्च बाय PSLV C-37। तो जी हाँ, PSLV C-37 का जो लॉन्च हुआ था वो इसरो ने लॉन्च किया था, और ये 104 सेटेलाइट को लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 12th में। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड आपको पता है आयुर्वेद बाबा रामदेव आपको। आगे बढ़ते हैं, इंडियन लैंग्वेज का शेड्यूल जो है कौन से शेड्यूल में है, तो जी हाँ 8th शेड्यूल में है वो। द कैपिटल ऑफ लेबनान, जी हाँ बैरूत। गीता रहस्य तिलक जी ने लिखा था। फर्स्ट इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस एंड हारमोनी, जी हाँ ये यासिर अराफात ने लिखा पाया था। आगे बढ़ते हैं, नैन्सी डच एक है ड्यूप्री, नैन्सी हैच ड्यूप्री ये एक यूएसए की रहने वाली हैं, और इन्होंने अफगानिस्तान पे जो भी बुक लिखी थी तो ये यूएसए की हैं। आगे बढ़ते हैं, रोहिंग्या मुसलमान आपको पता ही होगा, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बांग्लादेश। द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये आपका पद्म विभूषण होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भारत रत्न आता है, उसके बाद आता है पद्म अवार्ड्स, और पद्म अवार्ड्स में सबसे ऊपर कौन है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, तो टॉप प्रायोरिटी भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, तो सेकेंड में पद्म विभूषण। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिया गया है, जी हाँ तो यूएसए से लिया गया है। जनपद पंचायत कंसिस्ट ऑफ, तो जनपद पंचायत आपको पता होना चाहिए, ये बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलाकर एक जनपद पंचायत बनता है। जनपद, पद मतलब होता है बहुत सारे, तो सेवरल ग्राम पंचायत। आगे बढ़ते हैं, इब्न बतूता जो है वो कहाँ किस जनजाति से, जैसे खिलजी और तुगलक से के ज़माने में आया था, वो कहाँ से बिलोंग करता था, तो वो बिलोंग का था। आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ऑन अगस्त
2014। ठीक है, राजभाषा की जो बात बोलती है वो राजभाषा हमारे हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। विच ओरिजिन ऑफ गेम्स नेम्ड चतुर्गुन। देखिए, चतुरंग जो है ये चेस का नाम है, पुराना नाम है। एवो ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए श्रेय के लिए जो निर्माण होता है वो संबंधित मामलों का जिम्मेदार बैंक वो नाबार्ड होता है। पता होगा IREDA। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिजाइन एंड डेकोरेटेड बाय द रिनाउंड पेंटर ऑफ जबलपुर। जी हाँ, उनका नाम है राम मनोहर सिन्हा। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया आपको बहुत सारे नाम, लेकिन इनका होगा राम मनोहर सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ असम, कौन नहीं जानता है, बिहू। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जी हाँ बनियान, मतलब बरगद का ट्री, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द साइलेंट फ्यूचर ऑफ मॉन्टेग्यू कैलफोर्निया रिफॉर्म्स। तो जी हाँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अब ये देखिए कि सबसे पहले डीआरके सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें एक चीज़ आप पकड़िए कि डीआरके सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंशियल में, जी हाँ, और उसको फिर 1935 एक्ट में उसको ऑटोनॉमी दे दिया था। तो ये तो टू तो सही है, और अगर आप ऑप्शन में देखें तो टू सही सिर्फ एक ही में है, जो कि ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर द मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल विल बी प्रिसाइडेड बाई। जी हाँ, अगर स्पीकर भी ना हो और डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो छः पैनल का एक मेंबर होता है, जो कि उसमें से एक जो चूज करेंगे वही एक बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अ फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस, आपको पता होना चाहिए, ऐश्वर्या राय। आगे बढ़ते हैं। NSSO नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर डिजेबिलिटीज, आपको पता होना चाहिए, पैरालंपिक्स होता है ये। द नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यूरिंग द फखरुद्दीन अली अहमद। जी हाँ, ये हमारे भारतीय समाज के लिए एक बहुत ही काला वक्त था, 1975 से 77 तक। आगे बढ़ते हैं। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज द की मैसेज ऑन ब्रांड इंडिया। ठीक है, तो उसमें एक IBEF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इस फुल फॉर्म होगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल परफॉर्म विच वॉज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, उसका फुल फॉर्म कब बना था पूछ रहा है। तो ये 1995 को पूछा बना था, और ये अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 9th अगस्त 1995 को बना था। इसको बोलते हैं जैक, JAAC। आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का में जो नॉर्थ ईस्टर्न में है वह गेदलसू डैम, ये रांची के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट टूमुल्ट ऑफ बिरसा मुंडा इन झारखंड इज ऑल्सो नोन एज, जी हाँ, उनगुलान, उनगुलान ऑफ धरती आबा, धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जास्को लैम्प इज एन, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, इसका कौन सा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो जी हाँ, ये लैक से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लैक का प्रोड्यूस होता है वो झारखंड में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन किसने जो शुरू हुआ था वो बाद में किस आंदोलन में जाके मिल गया था, आपको पता होना चाहिए, वो था नॉन कॉपरेशन 1920 का, और उसको शुरू किसने किया था, तो ये शुरू किया था जतरा उरांव ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयरन लेडी ऑफ झारखंड दया मणि बरला। देखिए, फिर होता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों में वन क्षेत्र को संरक्षित करने के रूप में बदला गया था, ताकि वे वन उत्पाद और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए, वो था भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। मैथन पावर लिमिटेड इज जॉइंट वेंचर, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए, मैथन धनबाद। किकट प्रदेश ऋग्वेद में जो मेंशन किया गया है ये गिरिडीह में है। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग संवेद शिखर, संवेद शिखर पार्श्वनाथ हिल जो झारखंड की सबसे ज़्यादा ऊँची हिल है। ओके, अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें झारखंड के CM रघुवर दास ने ये बोला था, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर रघुवर दास होगा। आगे बढ़ते हैं। 12th 5-year plan में जो झारखंड का
माइंस और का जो वैल्यू बताया गया है वो कितना है, वो है 200 मिलियन टन्स। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2010-11 में कौन सा योजना शुरू की थी? तो जी हाँ, ये शुरू हुआ था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। और देखिए नीचे नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, ये आपको जमशेदपुर में है। आगे बढ़ते हैं, रांची प्लेट्यू जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए रांची प्लेट्यू जो है छोटा नागपुर के वेस्ट में है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा खनिज झारखंड के पलामू गढ़वा और लातेहार में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है? जी हाँ, ये डोलोमाइट है। आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो कि डोलोमाइट में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है तो आप बना सकते थे। आगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अनुसार झारखंड में कितना मिनरल रिसोर्सेज है? तो जी हाँ, 40%। देखिए बोल रहा है रिंस ऑफ बारादारी बिल्डिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए कि बारादारी बिल्डिंग्स जो है ये साहेबगंज और रांची के बीच में पाया जाता है। तो चूंकि साहेबगंज आंसर नहीं है तो आपका आंसर रांची होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चाइना के लिए कहाँ मिलता है? तो रांची, हजारीबाग और वेस्टर्न सिंहभूम, ये यहाँ मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बागुन सुमरई जो है ये किससे रिलेटेड थे? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में बना था ये। आगे बढ़ते हैं, मेटल क्राफ्ट, झारखंड का मेटल क्राफ्ट का नाम क्या है? तो वह नाम है ढोकरा। आगे बढ़ते हैं, आपने सबने देखा होगा आनंदी फिल्म, आनंदी जो बालिका वधू वाला था कला चैनल पे, वो थी प्रतिष्ठा बनर्जी, टाटा की थी। देखिए कॉम करंट पेंटिंग किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है? तो ये उरांव के द्वारा किया जाता है। ओके, विच वॉज द वेल नोन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु क्लासिफाइड द ट्राइब्स इन झारखंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल टाइप्स? जी हाँ, तो ये ललित प्रसाद विद्यार्थी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, जोन्हा फॉल्स को गौतमधारा फॉल्स भी कहते हैं। ओके, लव फेसबुक, लव फेसबुक लिखा था निकिता सिंह ने। खेरवाल बांसो धर्मपुथी, जी हाँ, खेरवाल बांसो धर्मपुथी ये लिखा था रामदास टुडू। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर जोन्स के बारे में बात कर रहा है। तो बता दें झारखंड में 3 एग्रीकल्चर जोन्स हैं और अगर इंडस्ट्रियल जोन पूछेगा तो वो 8 है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का कौन सा फोक म्यूजिक है? तो जनानी झूमर। देखिए शिफ्टिंग कल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन प्रैक्टिस करता है? तो जी ये होगा सौरिया पहाड़िया। आगे बढ़ते हैं, इसमें से पूछ रहा है कि किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है? तो ये शिबू सोरेन है और अर्जुन मुंडा है। सबसे कम वक्त के लिए अगर पूछेगा कि कौन सीएम बने थे तो वो भी शिबू सोरेन ही है, मात्र 10 दिन के लिए बने थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कोहवर एंड सोहराय पेंटिंग जो है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि कोहवर और सोहराय पेंटिंग ये होता तो वुमेन के द्वारा ही है लेकिन ये अनमैरिड वुमेन के द्वारा होना चाहिए कुमारी कन्या के अनुसार, लेकिन इसमें मैरिड वुमेन ऑप्शन है तो मुझे तो लग रहा है कि अनमैरिड वुमेन होना चाहिए। लेट्स सी, एज पर झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताया मैंने अभी, झारखंड के एग्रीकल्चर जोन 3 है और इंडस्ट्रियल जोन 8 है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकती है। जी हाँ, वो उनका उद्यमी सखी मंडल योजना, उसमें 1 लाख जो अभी स्मार्टफोन बांटा गया है, आपको पता हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया में किसके लिए फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए कॉपर जो है वो घाटशिला में फेमस है और उसके साथ साथ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी वहाँ बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और साइंटिफिक स्क्रिप्ट फॉर द ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेज इन रांची 2003? तो 2003 में जी अखाड़ा खोला गया था, झारखंडी भाषा साहित्य अखाड़ा। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री पुरस्कार विजेता झारखंड का जल पुरुष, जी हाँ ये सिमोन बाबा है, उसका नाम सिमोन उराव है। आगे बढ़ते हैं, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड बुशेज जडी झारखंड वॉज इनिशियली अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? को पता होना चाहिए ये बिहार का पार्ट था और 45.8% से अलग झारखंड उससे अलग हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
ये देखिए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बॉक्सर जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो ये तीनों बॉक्सर दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांडे और मिसाल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों झारखंड से ही है, ये बॉक्सिंग करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि रिनाउंड कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम जो 1998 में समर ओलंपिक्स में जीत दिलवाया था, गोल्ड जीतवाया था हॉकी में, वो थे जयपाल सिंह मुंडा, इसे मरांग गोमके भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रांची में मौत हो गई थी किसकी, बिरसा मुंडा की, जी हाँ 1900 में रांची में कॉलरा से मौत हो गई थी इनकी, लेकिन झारखंड के सभी लोग और झारखंड का समाज ऐसा मानता है कि अंग्रेज उन्हें जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने बताया कि नहीं इनको कॉलरा हुआ था और 25 की उम्र में ये मर गए थे। आगे बढ़ते हैं, ये वही रिपीट क्वेश्चन है तो उसको स्किप करते हैं। ये देखिए वरुण राव, आपको पता होना चाहिए क्रिकेट। अब ये पूछ रहा है कि हॉकी से कौन से कौन रिलेटेड है, वीरेंद्र लकड़ा, जी हाँ वीरेंद्र लकड़ा और उनके एक भाई भी हैं वो भी इनमें हॉकी ही खेलते हैं, जयपाल सिंह मुंडा पहले बता चुका है, मरांग गोमके भी कहा जाता है उनको, तो उनका आंसर होगा मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा और वीरेंद्र लकड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बताया गया था कि 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ गया था, तो मैंने बताया था 1913-1914 में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था और 1920 जाकर के वो गांधी आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए NRLM का जो था इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो NRLM को पहले आजीविका के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कौन सा ऐसे पहले व्यक्ति थे जो मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले संथाल गांव से और GASS के सदस्य थे, जी हाँ वो सोना मुर्मू थे। आगे बढ़ते हैं, 2017 में कोल एंड माइन मिनिस्टर कौन है, तो जी वो पीयूष गोयल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडो एसिस ग्लास कंपनी, जी हाँ जब भी ग्लास कंपनी का नाम आएगा झारखंड में तो वो हम रामगढ़ ठीक करेंगे, तो इंडो एसिस ग्लास कंपनी रामगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का स्टेट फ्लावर लास है, बिल्कुल दीपिका कुमारी, जी हाँ आर्चरी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साइंस का क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे, तो देखते हैं, बोल रहा है कि एक्वारिजिया से क्या होता है, तो उसमें 3HCl + 1H2SO4 ये होता है एक्वारिजिया। मुझे तो फॉलोइंग सब्सटेंस रिलेटेड टू द, अच्छा सेडिमेंटेशन के लिए एलम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप पावर का ये प्योरीफाई करने के लिए वाटर को। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बीज, जी हाँ एपी मतलब आपको पता होना चाहिए बीज होता है, तो एपियोलॉजी मतलब होता है बीज। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा यूज़ नहीं होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, डिसइंफेक्टेड प्योरीफाई करने के लिए, तो कॉपर सल्फेट नहीं यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आवर आईज आर एबल टू डिटेक्ट लाइट, जी हाँ तो हम लोग का जो लाइट डिटेक्ट करता है आई वो फोटो रिसेप्टर के कारण होता है। आपको पता हो फोटो मतलब होता है लाइट और फोनो मतलब होता है साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच किडनी डिसऑर्डर मींस किडनी स्टोन्स, जी हाँ तो ये रिनल कैलकुली है, इसका मतलब होता है किडनी स्टोन्स, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट्स जो होते हैं वही कि आपके किडनी स्टोन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि एक छात्र आखिरी बेंच पर बैठा है और ठीक से ब्लैक बोर्ड पर लिखे पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, जी हाँ तो ये मायोपिया है। मायोपिया का मतलब होता है आपको नज़दीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिख पाता है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन इज ओ, तो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो ये यूनिवर्सल डोनर है और इसमें बोथ एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं, ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक साइंस से क्वेश्चन है, तो देखिए इलेक्ट्रिक गीजर है, पावर दिया है 1000 वाट, वोल्ट दिया है 220, अब बोल रहा है कि इसका जो फ्यूज़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई जनरली 0.8 या 0.9 के रेंज में लेते हैं, तो अगर आप जैसे उनको डिवाइड करेंगे 1000 को 220 से तो आपको लगभग 5 के आसपास आएगा, तो इसका आंसर होगा 5। देखिए अब बोल रहा है कि अर्थ वायर आप किस रंग का इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन के लिए, तो इंसुलेशन के लिए जो अर्थ वायर होता है वो या फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा येल्लो या फिर इस्तेमाल कीजिएगा ग्रीन, तो येल्लो ऑप्शन में नहीं है, आंसर ग्रीन होगा। देखिए बोल रहा है कि नॉट अ रेस्पिरेटरी डिजीज, तो आपको पता है हृदयाघात और माइकोआर्डियल
इन्फेक्शन ये जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर विथ एन ओपन आई द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड भी पूछ रहा है ह्यूमन का तो वो होता है 210 डिग्री जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, और वर्टिकल पूछेगा तो वो होता है 150। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, देखिए ये एक पूछ रहा है कि अनियमित खाद्य आदतों वाले व्यक्ति में अमाशय का स्त्राव होने के कारण खुला घाव होता है जिसमें पस बहता है, तो ये अल्सर की बात कर रहा है। तो लेकिन अल्सर कौन सा होगा, तो ये अल्सर होगा पेप्टिक अल्सर। आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये देखिए बोल रहा है कि फोर वायर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, पहले उसको सीरीज में करते हैं फिर उसके पैरेलल में करते हैं तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 16:1 होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा कंपोनेंट एक्स है जिसको सिंथेटिक डिटर्जेंट में ऐड करते हैं और एक आइसक्रीम में भी उसको बेसिक इंग्रेडिएंट के रूप में ऐड करते हैं, तो वो है आपका सोडियम ट्राईफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज जनरली प्रोड्यूस इन, इसलिए नींबू का रस और बेकिंग सोडा में अगर मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर होगा ये चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स कैन नॉट थिंक बिकॉज दे लैक इन हैविंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर्वस सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो वो ब्रेन ही नहीं होगा तो थिंक कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्राजोन्स ये किस से रिलेटेड है, तो टेट्राजोन्स आपको पता है ये एक एम्ब्रियोटिक कैंसर है, मतलब बच्चेदानी का कैंसर है ये, तो इसको कहते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, सॉरी ये इसका कैंसर होगा इसको, बच्चेदानी का कैंसर है ये। आगे बढ़ते हैं। इन अ सीरीज, अच्छा ये मैथ्स के भी क्वेश्चन आ गए, आप इन अभी मैं इनको नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसको बाद में देखेंगे। जी हाँ, तो ख़त्म हुआ ये पेपर, मैथ्स का मैं अगली बार वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी कल एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको ये पता लग सके कि उनका कौन सा पेपर कितना क्वेश्चन सही था। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे जो भी मेरे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं वो 100% सही हों, लेकिन संभावनाएँ यह भी हो सकती हैं कि कुछ क्वेश्चन के, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट था, मैंने बताया भी था, वो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आप एक बार फिर अपने एंड से भी चेक करें। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए हैं, वेरीफाई कर लिए हैं, किताब से वेबसाइट से भी चेक किया है जो कि सही है। तो थैंक यू, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।